दिवाली बम्पर जो है कोकोनट की बर्फी। यस, हम बनाएंगे कोकोनट की बर्फी इस दिवाली के लिए स्पेशल समथिंग। बड़ी क्विक एंड इजी रेसिपी है, 15 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। इतनी देर में तो मेरी दाल भी नहीं बनती भाई, हम तो मिठाई बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। जिसके लिए मैंने ले लिया है पैन, उसमें मैं डालूंगी दूध। फर्स्ट मैंने डाला है 1 1/3 कप। देखते हैं अगर जरूरत पे थोड़ा और ऐड कर देंगे। यहाँ 1 कप ऑफ खोआ श्रेडेड किया हुआ। अभी इसे मिक्स करके देखते हैं हमें और दूध की जरूरत है और नहीं। आई थिंक वी शुड ऐड लिटल मोर मिल्क हियर, तो लेट्स ऐड लिटल बिट मोर। तो या इट वुड बी इनफ। सो यहाँ पे यूज हुआ है जस्ट 1/2 कप ऑफ मिल्क फॉर 1 कप ऑफ खोए के साथ। उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ शुगर। सो ताजो वो हमें जो चाशनी वगैरह बनाते हैं ना, उसका चक्कर ना पड़े इसमें। हमारा क्विक सा काम है, बड़ी इजीली हो जाएगा, इसी में मेल्ट हो जाएगी हमारी शुगर। और इससे ज़्यादा क्विक लो फ्लेम पे कुक करना है, थोड़ा सा आई थिंक अराउंड 5 मिनट्स लग जाएंगे, बट हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्विकली काम करना है। सो बेटर हम इसे दूसरे स्टोव पे मूव कर दें। यहाँ पे हम अपनी चढ़ाते हैं देसी कड़ाही, आ गई है। इसमें मैंने डाल दिया है बटर, आई थिंक अराउंड 2 टेबलस्पून। इसे मेल्ट होने देते हैं, मेल्ट हो गया है। काइंड ऑफ हमें इसे गर्म ही करना है ना, अगर आप घी यूज़ कर रहे हो तो उसे नहीं कुक करना, बट बटर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा कुक करना है। रेड हो गया है, कुक हो गया है। इसी में मैं डाल रही हूँ कोकोनट 1 कप। सो इसे हमें कुक करना है थोड़ा ना, थोड़ा सा फ्राई काइंड ऑफ घी में, बटर में। तो लो फ्लेम पे करेंगे, कभी भी कोई भी ऐसी कुकिंग हाई फ्लेम पे मत कीजिए। इसे हिलाते रहना है, कुछ नहीं नीचे लगने वाला, बट एटलीस्ट प्रॉपरली कुक हो जाए ऑल अराउंड। थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, एक्चुअली करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी इन 4-5 मिनट्स में हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही करना है। इसी के साथ आई थिंक वी शुड ऐड द थोड़े से नट ऐड कर लेते हैं थोड़ी, अगर हमें अपनी बर्फी को थोड़ा हेल्थी बनाना है। आई वुड लाइक टू ऐड सम बट कोकोनट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका ग्राइंड करके ना मिक्सचर बनाया हुआ है। अब आप घर पे मिठाई बना रहे हो, उसका फ़ायदा तो लो राइट, मिठाई तो सब खा रहे हैं। अगर अब ना आप बड़े हैप्पी होके अपने बच्चों को भी दोगे और फैमिली को भी, जो भी मांगेगा उसको कहोगे एक नहीं 2 पीस खा लो, आपको पता है आपने इसमें नट ऐड किए हुए हैं राइट। अदरवाइज़ आप कहोगे नहीं इतना मीठा नहीं खाना, इतना मीठा नहीं खाना। अब ये हमारा रेडी हो गया। अब थोड़ी सी झलक डाल देते हैं अपने खोए पे, जो हमारा ऑलरेडी हो गया है, रेडी है इसमें ऐड करने के लिए। चलो अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, और सारे का सारा खोआ इसमें ऐड कर दीजिए अपनी कढ़ाई में। अब इसे क्विकली हमें मिक्स करना है। अब थोड़े से तेज हो जाइए और इसे प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए, मिनटों में हो जाएगा। टोटली हमारे 7 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है गाइस। डू इट लिटल फास्टर, थोड़े से तेज हो जाइए, मिक्स कर दीजिए प्रॉपरली, और इन अ फ्यू मिनट्स ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब चेक कीजिए, यस आई थिंक इट इज़ परफेक्टली फाइन टू गो इन द कंटेनर। सो आपका कंटेनर रेडी है। कंटेनर को कैसे रेडी करना है, कोई भी कंटेनर ले लीजिए, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, और रबड़ का है, जो भी है। उसमें मैंने वैक्स पेपर रख दिया है, उसे थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है ताजो वो स्टिक ना हो, इजीली निकल जाए, ज़्यादा काम ना बढ़े, टाइम हमारे पास नहीं है। अब वो मिक्सचर को यहाँ पे ऐड कर देना है फटाफट, हाथ हिलाइए क्विकली क्विकली, देखो मैं कितनी फास्ट कर रही हूँ। अब इसे प्रॉपरली प्रेस कर देना है, ज़्यादा मोटे मोटे पीस नहीं हमें बनाने, थोड़े से। अभी उसी के ऊपर मेरी फेवरेट ग्रीन इलायची, जो छोटी इलायची होती है ना, उसका पाउडर मैं डाल रही हूँ। उसी के ऊपर थोड़े से बादाम ऐड कर लेते हैं, दिखने में भी नाइस लगते हैं, एंड थोड़े से अंदर चले जाएंगे, खा लेंगे। तो उसे प्रेस कर दीजिए ताजो ऊपर ही ना भागते फिरते रहे ना। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप देखोगे ईजीली आपका वैक्स पेपर बाहर निकल जाएगा, आपकी बर्फी रेडी हो गई है। जो भी शेप आपको बनानी है आप इजीली बना सकते हो, आपको जे नहीं पसंद है ट्राइंगल बना लीजिए, और डिपेंड तो खाने पे करता है, देखना क्या है उसका। हमारी बर्फी रेडी हो गई है और मैं रेडी हूँ खाने के लिए। आई थिंक मैं फिनिश करने वाली हूँ बड़ी क्विकली। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।